परम पूज्य महाराज श्री के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार। प्रभु, एक बहन पूछ रही है कि जब आत्मा निर्लेप है तो किसी को पुण्यात्मा किसी को पापात्मा क्यों कहा जाता है? कृपया सर्वे। यदि आत्मा निर्लेप है ये अनुभव आपको हो गया, वो आपको चाहे पुण्यात्मा कोई कहे चाहे पापात्मा कोई कहे, कुछ लेप लगा हुआ है किसी से पुण्यात्मा पापात्मा का फर्क बहुत पड़ता है कुछ न कुछ लेप जरूर। तो जब कान से सुनते होंगे पापात्मा पुण्यात्मा तो वो जाके आपके साथ सिपट जाता होगा। देखो, जब पापात्मा पाप छोड़ता है शुद्ध होता है, जब पुण्यात्मा होता है वो तब उसका अंतकरण शुद्ध होता है और अंतकरण शुद्ध होने पर आत्मा निर्लेप है जिसका ज्ञान होता है और आत्मा के निर्लेप होने का जब ज्ञान होता है तब वो ब्रह्म से एक होता है। तो पहले ही आपने प्रश्न गुरु की ओर से किया शिष्य की ओर से, शिष्य को प्रश्न करना चाहिए कि हे महाराज, हमसे कभी पाप हो जाता है तो मैं पापात्मा हूँ ये मुझे मालूम करता है, पापो पाप कर्मा पापात्मा पाप संभव पाई मान तो गरीब काम से, जब कभी हमसे कोई अच्छा काम हो जाता है तब हमको अभिमान होता है कि मैं पुण्यात्मा हूँ। तो इस तरह से हम कभी ऊपर कभी नीचे भटकते रहते हैं, पापात्मा हो गए तो नरक में जाते हैं, पुण्यात्मा हो गए तो स्वर्ग में जाते हैं। अब आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम निर्लेप हो जाए और हमको पाप पूर्ण न लगे और हम परमात्मा से एक हो जाए। तो जिस भूमि में आप बैठे हैं वहां से तो आपने प्रश्न किया, जिस भूमि में आपके गुरु जी बैठे हैं उनकी गद्दी पर बैठ के तो आपने प्रश्न किया, अब चेला जी उत्तर कह रहे हैं। इसलिए देखो, आत्मा निर्लेप है एक सुनी सुनाई बात है, वेदांत की पुस्तकों में सुनी है या कोई टीचर आपके आपके पढ़ा गया होगा कि आप निर्लेप, तो ऐसे तो निर्लेप नहीं होंगे। पहले आप साधन लगा के अपने शरीर में जो मैल लगी है उसको छुड़ाइए और फिर जो साधन लगा है उसको छुड़ाने के लिए शुद्ध जल से उसको धो दो और उसके बाद आपका जो शरीर है वो माटी का है तब भी ले माटी खत्म हो जाती है और यदि वो जल है तो इनर लेप है तो सबको धो देता है, यदि अग्नि है तब भी आप निर्लेप हैं, आग में कोई लेप नहीं होता है, यदि वायु है तो भी सुगंध दुर्गंध में जाता है और निर्लेप ही रहता है, यदि आप आकाश में हैं तब भी आप निर्लेप हैं, आकाश में कोई लेप लगता ही नहीं निराकार है, यदि आप मन हैं तो उसमें भी अच्छे बुरे सपने आते रहते हैं, यदि आपकी पाप बुद्धि है तो भी उसमें सदविचार दुर्विचार आते रहते हैं और यदि आप साक्षी हैं तब तो कहना ही क्या, लेकिन आप जब हड्डी मांस चाम विष्ठा मूत्र का शरीर बन के बैठे हैं आप तो लेप की पिटारी बन के लेप की पोटली बन के बैठे हैं, आप कूड़े पर बैठे और कहते हैं हमको कूड़ा न लगे। एक बार हमको किसी ने पीटा बहुत पुराने पुराने, ये बात 20 के आसपास की होगी,
मुझे बहुत दुख हुआ। एक महात्मा के पास गया, मैंने पूछा कि महाराज आपको पढ़ा, मैं बोला तो नहीं, सह तो लिया मैंने, परंतु मन में बड़ा दुख हुआ। तो वे बोले कि जिस समय तुम्हारा उसने अपमान किया थी क्या, उस समय तो उसी जोड़े थे, ये कैसे महाराज, जैसे कोई पनाले में जाके नाली, गंदी नाली में जाके लेट जाए और उस पर एक गंदा पानी भरी बाल्टी उलट दे कोई, तो पनाले में सोने वाले का दोष है, बाल्टी डालने वाले का है। यदि जाके कोई कूड़े पर धोए पर बैठ जाए और उस पर कोई एक बाल्टी कूड़ा डाल दे, कूड़ा डालने वाले का दोष नहीं है, कूड़े पर बैठने वाले का दोष है। जब आप ये लेपमय जो शरीर है जिसमें मैल लगती है और जिसमें से मैल ही मैल निकलता है, आपने कभी ध्यान दिया है, आंख में से जब मैल निकलती है तो उसका नाम कीचड़ होता है, सिर में से जो मैल निकलती है उसी का नाम बाल है, ये बाल मैल है शरीर के, सदा कान में से मैल निकलती है, होंठ नाक में से बलगम, मुंह में से खून, शरीर में से पसीना, नाखून, मूत्र, मल, ये लेप लेपों से भरा हुआ ये जो शरीर है, जिसको जब तक आप अपना मैं और मेरा समझेंगे तब तक इस लेप में लेप ही लगेगा, इस मैल में मैल ही लगेगा। इसलिए आप पहले इस लेपमय शरीर से विवेक के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, सत्संग के द्वारा, कैसे जब इसको आप अलग कर लेंगे, विवेक कर लेंगे, विवेक माने अलगाव, और अपने को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा के रूप में जानेंगे, तब सचमुच न आप पापात्मा होंगे और न पुण्यात्मा। और ये पहले जो बात कही जाती है वो बहुत करके बरगलाने के लिए होते हैं, लोग कहेंगे कि तुम तो निर्लेप हो, चाहे पाप करो चाहे पुण्य, तो लोग पुण्य क्यों करेंगे, फिर तो पाप ही करेंगे, फिर तो चोरी करने की छुट्टी हो गई, व्यभिचार करने की छुट्टी हो गई, मारने पीटने की छुट्टी हो गई। तो जब तक इस देह में से अभिमान नहीं उठता है तब तक आपको निर्लेप बताने वाला आपका मित्र नहीं है, आपका शत्रु है, और वो आपको नरक में रखने के लिए और नरक में जाने के लिए प्रेरणा देता है। इसलिए पहले ये जो पाप पुण्य की पोटली है शरीर, इससे अलग आप अपने को अनुभव कीजिए, तब निर्लेप। तो आप कहते हैं मैं निर्लेप हूं, तो ये कैसे का नहीं, प्रश्न ये है कि आप यह हैं तो आप निर्लेप कैसे, निर्लेप होने के लिए प्रश्न कीजिए, सत्संग कीजिए, सागर कीजिए, भजन कीजिए, ऐसे ही कि हम निर्लेप हैं, निर्लेप हैं, जब तक दुश्मन बने हुए हैं, जब तक एक इंच धरती पर भी आपका कब्जा नहीं हुआ, तब तक आप चिल्ला रहे हैं मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, पागल है ना, अकृत्वा शत्रु संघारम अगत्वा अखिल भूश्रियम राजा हमिति शब्दान्नो राजा हमित वर्ति। शत्रु का संहार नहीं हुआ, धरती पर कब्जा नहीं हुआ, चिल्ला रहे हैं राजा राजा राजा, कोई राजा ऐसे नहीं होता है। आप पहले जिसमें लेप लगता है उसको अलग कीजिए, आप उससे अलग हो जाइए, उसको मैं मेरा मत समझिए कि आप अपने आप निर्लेप हो जाते हैं।
कुछ सामान का फर्क है, एक भाई का है एक बहन का है, तो भाई तो ये पूछ रहे हैं कि भगवान कृपा कर स्पष्ट करें कि व्यक्ति रूप से जन्म के पूर्व एवं मृत्यु के बाद अर्थात शरीर के बिना ही हमारे व्यक्तित्व का कोई पूर्व रूप या उसका रूप रहता है, यदि रहता है तो उसकी तात्विक व्याख्या क्या है। ये तो भाई पूछ रहे हैं और वो मैं पूछ रही है कि आत्मा अजर अमर है, तो इसकी मृत्यु के बाद हम उसके आत्मा को शांति मिलेगी है, हम इसके लिए कहते हैं। भाई बहन दोनों एक ही तरफ का प्रश्न करते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है कि भाई और बहन के मन मिलते रहे, प्रेम बना रहे। बहन मैं भाई होने वाले इसमें प्रश्न करने में अगर व्यक्ति की जानकारी हो जाती है तो उत्तर देने में थोड़ा लिहाज करना पड़ता है, पूछने वाले का असर पड़ता है। लिखा हुआ हो भले तो अब देखो व्यक्ति कैसे बनती है। व्यक्ति माने जागरा, जो अव्यक्त था जाहिर नहीं था उसके जाहिर होने का नाम व्यक्ति है। तो एक मिट्टी का लोंदा था, बचपन में हम लोग माटी के खिलौने बना देते थे, तो भाई एक स्त्री बनाई, एक पुरुष बनाया, एक हाथी बनाया, एक घोड़ा बनाया। हम अपने संकल्प से गीली मिट्टी लेके उसका हाथी और घोड़ा बना दिया गया। तो मध्यम कोटि के सेठों के घर में गया तो उनके बच्चे माटी से खिलौना नहीं बनाते थे, रसोई घर में से कुटा हुआ आटा ले आते रसोई से मांग के और उसका खिलौना बनाते। और जब उनसे भी बड़े सेठों के घर में गया तो वो मोम का खिलौना बना। अब तो महाराज बच्चे खिलौना बनाने की तकलीफ नहीं उठाते, जो बाजार में तरह तरह के खिलौने मिलते हैं वो मांग लेते हैं। तो खिलौना बनाने के लिए पहले कर्म क्रिया चाहिए। हाथी या घोड़ा बनाना है तो बनाने वाले को कर्म करना पड़ेगा, और हाथी बनावे कि घोड़ा बनावे इसका संकल्प मन में करना पड़ेगा। तो संकल्प होगी और क्रिया होगी तब फिर कोई खिलौना हम बनाएंगे। अब देखो ये खिलौना शरीर का व्यक्ति ये हमको मिला है, तो चाहे प्रकृति बनावे और चाहे ईश्वर, संकल्प और कर्म पहले के होने चाहिए, नहीं तो ये खिलौना बन नहीं सकता। अब उसमें भी महाराज कोई जन्म से ही बहरा पैदा होता है, कोई गूंगा पैदा होता है, कोई कमजोर आंख वाला पैदा होता है, कोई कमजोर हाथ पांव वाला पैदा होता है, तो ये बात जन्म से ही क्यों हो जाती है। तो कहो कि ईश्वर ने ऐसा कर दिया, तो बिना किसी वजह के ईश्वर किसी को लंगड़ा लूला बना दे, किसी को अंधा काना बना दे, किसी को बहरा बना दे, तो ईश्वर पर दोष आता है कि उसने ऐसा अन्याय किसी के साथ क्यों किया, और अच्छा अच्छा बनाकर किसी के साथ पक्षपात क्यों किया। तो ईश्वर बनाता है तो कर्म के और वासना के अनुसार बनाता है, इसलिए वैषम्य नहीं न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति।
ब्रह्म सूत्र में इसका एक अधिकरण है बताने के लिए कि असल में ईश्वर न किसी का पक्षपात करता है और न किसी के साथ निर्दयता करता है। जिसका जैसा कर्म होता है, जैसी उपासना होती है, जैसी वासना होती है, जैसी प्रज्ञा होती है, उसके अनुसार वैसा शरीर भगवान बना देता है। अब तो पूर्व कर्म हो गया, उसके अनुसार ये शरीर बना। अब इस शरीर में हम अच्छे बुरे बहुत से कर्म करते हैं और देखने में आता है कि उनका फल हमको इस जीवन में नहीं मिल रहा है, तो क्या वो निष्फल जाएंगे? क्या नहीं, उनका फल ईश्वर के राज्य में यदि न मिले तो ईश्वर को अन्यायी मानना पड़ेगा। तो जो किया था उसका फल तो ये मिला है और अब जो कर रहे हो उसका फल इसी जीवन में भी मिल सकता है, और अगर इस जीवन में न मिले तो अगले जीवन में मिल सकता है, क्योंकि जैसे पिछले जन्म का ये जन्म मिला वैसे इस जन्म का अगला जन्म मिलेगा। तो नारायण, जैसा कर्म तम विद्या कर्मणी समन्वार देते पूर्व प्रज्ञा च। बृहदारण्य के उपनिषद में आया कि अपनी जानकारी, अपना कर्म और अपनी पूर्व उपासना, इनके द्वारा इस शरीर का निर्माण होता है। यदि इस शरीर के मूल में कर्म न हो तो बिना किए ये मिल गया, और नारायण यदि अगला जन्म न हो तो इस जन्म के किए हुए कर्म चले जाएंगे। इसलिए पूर्व जन्म और उत्तर जन्म, पिछला जन्म और अगला जन्म मानना जरूरी है, और ईश्वर हमारे कर्म हमारी वासना के अनुसार इसको बना के देता है। एक बात वेदांतियों से निवेदन करना है, निवेदन माने अर्ज करना हो, विनती करनी है। तो वो विनती क्या है कि यदि जीव का जन्म और मरण है ही नहीं तो वेदांत पढ़ने की किसी को कोई जरूरत नहीं। सब वेदांत की पुस्तकें फाड़ के पानी में डाल दो अगर, और जन्म वरण नाम की कोई चीज नहीं। इससे छुड़ाने के लिए ही तो वेदांत है ना, जो जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है उससे छुड़ाने के लिए भगवान की भक्ति है, उससे छुड़ाने के लिए सांख्य योग का विवेक है, उससे छुड़ाने के लिए वेदांत का विचार है। यदि जन्म मरण है ही नहीं ये तुमको निश्चय है तो आप चारवाक कोटि में ही रहिए, आपको वेदांती कोटि में आकर के स्वयं धोखा खाने की और लोगों को धोखा देने की कोई जरूरत नहीं है। आप रहिए चारवाक के घर में और लोकायत सिद्धांत को मानिए। अब रही बात कि प्रश्न का तो एक भाग तो ये था कि पूर्वजन और उत्तरजन, तो जैसा काम आपने पहले किया है आपको मालूम होना चाहिए। आप कभी तरफ जाए तो तंजौर में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है, उसको देखें, 50,000 से ज्यादा ग्रंथ अभी उसमें ऐसे हैं जो प्रेस में नहीं आए, जो छपे तमिल लिपि में हैं, उनको पढ़वाना पड़ता है। उसमें एक पुस्तक है, उसमें चित्र बने हुए हैं, एक ओर पशु का चित्र है, एक ओर आदमी का चित्र है, दोनों पन्ने पर। एक आदमी को बड़े जोर से क्रोध आया तो उसका चेहरा कैसा होता है, कैसी आंख हो जाती है, कैसा चेहरा हो जाता है। दूसरे पेज पर पुकारते हुए सांप को देखे, जब आप चिंता से ग्रस्त हो जाते हैं और आपका सिर जब लटक जाता है तो आपका मुंह कैसा लंबा हो जाता है, ये तो मनुष्य के चित्र में देखे, और सामने देखिए कथा बना हुआ है कि उसकी तस्वीर कैसी है। और एक आदमी जब भविष्य की चिंता में बहुत
वो आगे को देखना चाहता है वहां तक, तो उसका शरीर बिल्कुल ऊंच तरीका हो जाता है एक पेज पर लंबी गर्दन वाला आदमी, और दूसरे चित्र पर दूसरे पृष्ठ पर ऊंच। तो ये जो हम लोगों के मन में भाव आते हैं वो भाव आकार की शरीर की रचना करते हैं, उनका हमारे शरीर के परमाणुओं पर असर पड़ता है, कणों पर असर पड़ता है। अच्छा, क्या आप कोई चीज देख करके बढ़िया मीठी सी आपके जीभ पर पानी नहीं आता? क्या आकर्षक स्त्री पुरुष देख करके आपके मन में उत्तेजना नहीं होती? क्या क्रोध आने पर आपकी आंख लाल नहीं होती, मुंह काला नहीं होता, आप हाथ पांव पीटने नहीं लगते हैं, थर थर शरीर कांपने लगता है? तो ये जो हमारे मन में भाव होते हैं उनका हमारे शरीर पर स्पष्ट प्रभाव इसी जीवन में देखने में आता है, और इन्हीं भावों का प्रभाव सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण में रहता है। तो ये शरीर छूटने के बाद अंतःकरण फिर वैसे ही सांप की, गधे की, ऊंट की, घोड़े की शक्ल उसको मिल जाती है और उस योनि में जाता है। तो नारायण, ये जो शरीर मिला है इसके मूल में कर्म है, वासना है, उपासना है और बुद्धि है, और ये सबको हम अपने साथ मिला करके रखते हैं, इसलिए उसके अनुसार ये व्यक्ति ये शरीर मिलता है। अब रही बात ये कि मरने के बाद सच पूछो तो श्राद्ध जैसा उत्तम कर्म किसी मजहब में नहीं है, है तो सब में। मरने के बाद कब्र बनाना और उस पर धूप बत्ती जलाना है, और उस पर दिया जलाना और फूल चढ़ाना, ये तो ईसाई में भी है, मुसलमान में भी है और पारसी में भी है। यहाँ तो हमारे भाई हनुमान प्रसाद जी कोरदार यहाँ समुद्र के किनारे बैठ के भजन कर रहे थे, एक आदमी आया हमारा और आपको उसने कहा तुम हमको देख कर डरते तो नहीं हो? डरेंगे तो मैं भी आदमी, तुम भी आदमी। वो बोला मैं आदमी नहीं, मैं तो प्रेत। कौन हो भाई? मैं पारसी। अच्छा, पारसी हो तो क्या चाहते हो? तो हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए श्राद्ध करवा दो, मैं मर चुका हूँ और मेरे लड़के हैं, बाल बच्चे हैं, मुझे सड़क जाती नहीं है, गिरगांव, गिरगांव रोड, आप गिरगांव रोड में हमारा हरा हरा मकान है और उसमें हमारे बच्चे रहते हैं, उनसे कहो कि हमारे लिए श्राद्ध करवा दें। तो भाई जी बोले कि वो पारसी हैं, हम हिंदू हैं, हमारे कहे से वो श्राद्ध क्यों करेंगे? तो उन्होंने कहा देखो हमारे 25,000 रुपए अमुक जगह पर रखे हुए हैं और ये घर में किसी को मालूम नहीं है, घर में रखे हुए हैं अमुक जगह पर, तुम उनको बता देना कि वो रुपया वो ले ले और हमारे श्राद्ध के काम में उसका इतना हिस्सा खर्च कर दे कम से कम। और भाई जी ने उनसे संपर्क स्थापित किया, रुपया मिला और फिर उनका उन्होंने श्राद्ध करवाया। अब श्राद्ध मिलता है कि नहीं इसकी एक बात आपको सुनाते हैं। वैसे हम अपना अनुभव आपको सुनाने लगे तो वो खोखी पड़ जाएगी। तो हमको ब्रह्म का भी अनुभव है और हमको वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में जिन बातों का वर्णन है उनका भी अनुभव है। तो देखो ये मनुष्य जो है मृत्यु के पश्चात कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको शरीर नहीं मिलता है, वो भूत प्रेत पिशाच की योनि में जाते हैं और अंतरिक्ष में रहते हैं, उनको प्यास लगती है, पानी है उनके सामने पर पी नहीं सकते, उनको भूख लगती है, भोजन है उनके सामने परंतु खा नहीं सकते, अपने हाथ से लेके वो कुछ नहीं खा सकते, उनको जब कोई संकल्प करके दे तभी उनको मिलता है। तो उनके लिए तो श्राद्ध बहुत जरूरी है।
अब रहे कुछ लोग जो हैं वो पितर जोनी में चले जाते हैं, विदुर दो भागे पितरो बसंती, वहाँ संकल्प करके श्राद्ध विधि पूर्वक किया जाता है। तो उस संकल्प को, उन शुभ संकल्प को उन तक पहुँचने के लिए वेदी चाहिए, कुशा चाहिए, मंत्र चाहिए, पिंड चाहिए, और वो विधि पूर्वक होना चाहिए। कोई देवता को जाते हैं तो वो पिंडदान जो किया जाता है सो उनके पास नहीं जाता, कर्म का फल तो ईश्वर देता है। तो ईश्वर को मालूम है कि वो आत्मा, वो जीव आज कहाँ है, वो किया हुआ जो शुभ श्राद्ध का संकल्प है वो उसके पास पहुँचाता है। तो कोई देवता हो गया है तो स्वर्ग में उसको सुख मिलेगा, वो अमृत पीने को मिलेगा ज्यादा, उसको नंदन वन में घूमने को मिलेगा ज्यादा, उसको विमान मिलेगा ज्यादा, वहाँ जैसे सुख हो वैसा मिलेगा। अब कोई बैकुंठ में पहुँच गया है, बैकुंठ में पहुँच गया है तो वहाँ नंदन वन, विमान, अप्सरा ये सब कुछ नहीं है, और वहाँ तो सब भगवान का धाम है, उनके ऊपर भगवान प्रसन्न होंगे तुम्हारे लिए भाई मरते लोग से देखो ये एक भेंट आई है, भेंट की सामग्री, और वो मेरे पास आई है, तुम सुखी रहो, हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। और यदि वो प्राणी मुक्त हो गया है, उसको तत्व ज्ञान हो गया, शुद्ध बुद्ध मुक्त है, कोई सन्यासी था, कोई तत्व ज्ञानी गृहस्थ था, तो उसको क्या मिलेगा, वो तो मुक्त हो गया और तो भगवान के पास वो पहुँचता है, पहुँचता है तो भगवान कहते हैं कि अब जो लेने वाला है वो तो ब्रह्म है, तो उसको तो नहीं मिलेगा। तब ये जिसने ये श्राद्ध किया है उसके पास इसका फल भेज दिया जाए। तो जैसे मनियार रखवाने वाले को जब नहीं मिलता है तो भेजने वाले के पास वापिस आ जाता है, उस प्रकार वो श्राद्ध का जो फल है वो करने वाले को मिलता है। कर्म का मुख्य फल तो असल में कर्ता को ही मिलता है, जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छे काम का फल मिलेगा, उससे अपूर्व की उत्पत्ति होगी, उसके अंतकरण में रहेगी, कर्ता में रहेगी या अंतकरण में रहेगी, और समय आने पर उसका फल जरूर जरूर देगा। तो भाई मेरे अब एक दो बात और सुनाता हूँ, बात तो लंबी हो जाएगी। हमारे पिता की मृत्यु हुई थी, मैं 7 वर्ष का था, तो और मेरे दूसरा कोई भाई नहीं था, श्राद्ध मुझे ही करना चाहिए, पर मेरा यज्ञोपवीत संस्कार उस समय नहीं हुआ था, और विद्वानों की राय से हम श्राद्ध करने के अधिकारी नहीं थे, तो हमारा प्रतिनिधि बनाया गया, और उस श्राद्ध में और सब तो हुआ सो हुआ ही, सज्जा दान हुआ, एक बैल छोड़ा गया, विशोत्सर्ग हुआ, उसके लिए जैसे सलाह नहीं थी। तो मैं वहां बैठे बैठे ऐसे सोचता था कि मेरे पिताजी कहीं हैं और उनके पास ये भेजा जा रहा है, तो खेती करने के लिए बैल भेजा जाता होगा, सोने के लिए सज्जा भेजी जाती होगी, खाने पीने के लिए बर्तन और सब सामग्री भेजी जाती होगी, ऐसे मैं सोचता था। लेकिन मेरे मन में ये जो संस्कार रहा होगा, आगे मेरा जन्म होगा, तो वो आत्मा क्या है ये जिज्ञासा आपके मन में कभी न कभी होगी कि वो आत्मा कौन सा है, क्या है जो देह से अलग रहता है। अच्छा देखो एक छोटी सी बात आपको और सुना, जा रहे थे बद्रीनाथ, वो बात तो हम छोड़ देते हैं कि बद्रीनाथ में हमारे एक मरे हुए मामा जो है मुझे उनका आभास हुआ, और उन्होंने कहा कि हमारा श्राद्ध बद्रीनाथ में ब्रह्मचारी पर करवा दो, तुम यहाँ आए तो हमारे कोई लड़का नहीं है, तुम मेरा श्राद्ध करवा दो। वो बात अलग है, वहाँ रास्ते में महाराज दो पति पत्नी मिले, उनका नाम था जगन्नाथ पति का, और वो बिहार में एक बटम्बा नाम की जगह है वहां भी थे, और वो जगन्नाथ थे ना मारवाड़ी से,
انہوں نے بتایا کہ مہاراج ہمارے بیٹے کی مرتب ہو گئی تھی 17-18 سال کے پاس, تو ہم لوگ اس کا شراد کرنے کے لیے بدری ناتھ گئے, اور بدری ناتھ میں شراد کرنے کے بعد وہ اپنی ماں کے اوپر آنے لگا اور بات کرنے لگا. وہ کہتا ہے کہ بدری ناتھ میں شراد کرنے سے بھی ہمارا کلیان. اب میں چلا گیا بدری ناتھ, وہ لوگ لوٹ گئے. پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہ کچمبا سے بدری ورنداون میں آئے. جب میں لوٹ آیا تھا اور انہوں نے آ کے مجھ سے کہا, دادا ہے ارے دادا انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ جو ہمارا سوتر ہے مرتبہ وہ مجھ سے آ کے کہتا ہے کہ تم بھاگوت سنو اور بھاگوت سوامی جی سے سنو تو ہمارا کلیان ہو جائے. تو آپ چلیے, اب ان دنوں میں نہ تو گرہستوں کو بھاگوت سناتا تھا اور نہ تو کوئی دکشنا لیتا تھا. شروع شروع کی بات تھی, اس سمے ذرا تیاگ ویراگ کا تھوڑا جوش تھا, ایسے روپے نہیں ہوتے تھے, یہ لوگ بھکشا مانگتے لے آتے تھے کھیتوں سے اور ہم کھاتے تھے, کبھی کبھی ہم بھی لے آتے تھے. اب میں نے تو منع کر دیا, نہ مانے تو کیا, اس نے کہا ہے کہ میں لے کے آؤں گا. اچھا مہاراج پھر کیا ہوا, میں نے کہا اچھا ہری بابا جی اگر کہہ رہے ہیں, بھولیا بابا جی تو نہیں تھے, اگر ہری بابا جی کہہ رہے تو میں چل سکتا ہوں. میرا خیال یہ تھا کہ ہری بابا جی ہم کو ورنداون اور یہاں کا ستسنگ چھوڑ کے جانے کو نہیں کہیں گے. اب مہاراج ہری سبھا میں یہ پرشن اٹھا اور سب کو رومانچ ہو گیا اور سب نے کہا کہ ہاں جانا چاہیے. وہ بےچارا بہت غریب تھا, وہ اب تو دھنی ہو گیا ہے. اچھا تو کیا نام ہے, بابا نے کہہ دیا تو میں گیا, میرے ساتھ دادا جی گئے اور وہاں مہاراج 7 دن میں, ہمارے پاس بھی سمے زیادہ نہیں تھا, کوئی پرو تھا لوٹنا ضروری تھا, تو دادا جی نے تو بھاگوت کا پاٹھ کیا مول کا اور میں نے اس کا ارتھ سنایا. اس نے بتایا کہ 5 براہمنوں کا پرن کروا دو اور ٹھنڈ کا دن ہے تو ان کو اونی کپڑا, اسی لڑکے نے بتایا اونی کپڑا دو اور ہمارے لیے آسن لگوا دو اور ہم بیٹھیں گے. تو جیسا جیسا اس نے کہا ویسا ویسا کیا. آخری دن میں نے ایک کام کرنا چاہا, وہ تو بالکل جنگل ہے, دیہات ہے, بہار کے آدی واسیوں کا کھیتر ہے, وہاں کسی کو کیا معلوم. وہ مہاراج اب میں نے کہا کہ دیکھو شام کو گاڑی ہے دھنباد اسٹیشن 7 میل دور ہے, یہاں سے جانا پڑے گا, تو ہم ایک بار میں ہی دوپہر تک بھاگوت کر لیتے ہیں اور پھر وہاں چلے جائیں گے آج بھی. اب وہ مہاراج لڑکا آیا اور بولا کہ کتھا تو دونوں سمے کرنی چاہیے اور بیچ میں وشرام ہونا چاہیے, آپ ایک سمے میں کتھا مت کریے. تو میں نے کہا کہ اچھا آشچر ہوا کہ اس کو کیسے معلوم ہے, تو گاؤں کی گوارا عورت اب اس کا ورنن کرے تو بڑا ہی ولکشن ہے, اس کے نہ صرف وہ بلگم گرتا تھا اور وہ گندے کپڑے پہنتی تھی, اس کو یہ سب بات کہاں سے معلوم. تو میں نے کہا جب وہ آویش میں تھی کہ اچھا بھاگوت سننے کے بعد تمہاری کیا گتی ہوتی ہے, یہ ہم کو بتا کے جانا, اچھا بتا کے جانا. پھر بھاگوت میں نے دونوں سمے میں کیا اور اس پوروک اس کا بھون آدھی ہوا, اس کی ماں ہی بولتی تھی اور پھر ماں پر آ گیا اور جب آتا تھا تو ہمارا مزے دار ہو جاتی تھی. اب وہ بولے کہ بولا لڑکا کیسے کیسے اس کی مرتب ہوئی تھی, کیا ہوا ڈر گیا تھا. اور اب میں میرے لیے بیمار آ رہا ہے, میں 10ویں لوگ نہیں جاؤں گا اور پھر اب میں ماں کے اوپر, آج کے بعد ماں کے اوپر کبھی نہیں جاؤں گا.
बरसों हो गए, बीच बीच में वो कभी कहीं मिल जाते थे। एक दिन जब मैं बनारस में रहने लगा था तो एक लड़की को ले लिया, बड़ा स्वस्थ बड़ा सुंदर। मैंने पूछा एक और ने, तो बोले कि ये वही लड़का है। कैसे आ गया, 23 वर्ष का लड़का एमए पास। तो बोले कि उसका जन्म हो गया और फिर हमारे घर में आ गया और अब ये पढ़ सकते और आपकी कृपा से भगवान की कृपा से अब हमारे घर में संपदा भी बहुत है। तो कई हजार रुपये जब भागवत दिया था जब तो कुछ नहीं दिया था वो, और तब मैं लेता भी नहीं, लेता था भी नहीं। हाँ ये तो लेना तो हमको स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज ने सिखाया। अब वो कई हजार रुपए भी दे गया और लड़का उसका स्वस्थ और सुंदर है, नाम है जगन्नाथ केदार बाप का। और उसकी लड़की जब मैं जाता हूँ कलकत्ते में, गीता खाया है वो आती भी है, हमको कलकत्ता भी ले जाते हैं। और देखो अब और एक कुछ और एक प्रश्न करता हूँ, मित्रता कब और कैसे करनी चाहिए, सच्चे मित्र के लक्षण क्या है, क्या कृष्ण सुदामा की मित्रता आज के युग में संभव है कि एक सुदामा की तीन दशा करुणाकर के करुणाकर रोए, पानी पराप सो आप सुरोने नैन निकी जल सो पद होए। तो इस संदर्भ में अपना विचार दे। हाँ जी, ऐसा लगता है कि ये प्रश्न करता सज्जन सुदामा की कथा सुनना चाहते हैं। मैं एक भागवत की कथा सुदामा की सुना रहा हूँ। तो पहली बात यह है कि देखो, सुग्रीव से रामचंद्र को मित्रता करने की, तो उन्होंने सुग्रीव के अपने को अपने पास बुलाया, स्वयं सुग्रीव के पास है और रामचंद्र ने सुग्रीव की एक ही परीक्षा मिली, परंतु सुग्रीव ने राम की तरह तरह से परीक्षा ली। नारायण ये ताड़ के पेड़ और इनको तोड़ दो काट दो और ये हड्डियां पड़ी हैं इनको उठा के फेंक दो और आग जलाओ। देखो मित्र बनाना है तो अपने मान अपमान का ख्याल नहीं करके उसके पास जाना चाहिए। और यदि वो परीक्षा ले तो ये नहीं कहना कि वो तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, परीक्षा लेते हो, जितनी परीक्षा ले उतनी परीक्षा उसको दे देनी चाहिए। और मित्र बनाना हो तो थोड़ा उसका पक्षपात भी करना चाहिए। हाँ, वाली को मारना कोई न्याय थोड़ी था, वाली को मारना माने अपने मित्र का पक्षपात। भगवान से जो अपनी मित्रता जोड़ लेता है उसके लिए भगवान न्याय अन्याय सब कुछ, ये नहीं कि तुम्हारा सच्चा मुकदमा होगा तो भगवान जीता है, झूठा मुकदमा होगा तो भी भगवान जीता है ना। तुम्हारी योग्यता के अंदर ही अगर भगवान देना चाहेंगे तब तो जमराज भी दे सकते हैं। तो रहती न प्रवचित चूक किए कि करत सूरत सौवार यही अगर बधो व्याध जिमी पाली सुई सुकंठ पुन की निकुचाली सुई करपूति विभीषण के री सपने यही न राम हे। तो मित्रता जोड़ने के लिए जैसे हम अपने दोषों को जाहिर नहीं करते हैं और सह लेते हैं, वैसे ही मित्र के दोषों को भी जाहिर नहीं करना चाहिए और उसको अपने दोष समझ करके सहन करना चाहिए। जे न मित्र दुख भी तिन ही विलोकत पातक धारी, मित्र के साथ अपने को एक कर लेना। सुदामा की कथा तो बहुत विलक्षण है। वो तो नारायण श्रीमद् भागवत में जहाँ जहाँ श्री कृष्ण के आंसू गिरने का वर्णन आया है उनमें एक प्रसंग ये भी है।
गुरुकुल में दोनों पढ़ने गए थे, राम और कृष्ण तो रथ से जा रहे थे, रास्ते में देखा एक अनाथ बालक पड़ा हुआ है, पांव में उसके कांटे गड़े हुए हैं, भूखा है, प्यासा है। बलराम श्री कृष्ण ने अपना रथ रोक दिया, उसके पास गए, उसके पांव में जो कांटे गड़े थे उनको निकाल दिया, उसको कुछ खाना पीना जो देवकी मैया ने उन लोगों को दे करके भेजा था मथुरा से उज्जैन जाने के लिए, उसी में से उसको खिलाया पिलाया, अपने रथ पर बैठाया, गुरु जी के पास ले गए। कहां महाराजाओं के महाराज श्री कृष्ण और वो कहां दरिद्र सुदामा, दोनों बराबरी के हैसियत से गुरुकुल में पढ़ते थे और गुरु जी दोनों को समान दृष्टि से देखते थे, नारायण, और दोनों को लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेजते थे, दोनों को तकलीफ, जिसको बालक पने में ही सहिष्णुता सहन करने की शक्ति तितिक्षा नहीं मिल गई अब वो भगवान का प्यारा नहीं हो सकता। तो महाराज जिंदगी सारी ऋषि के रूप में सुदामा ने व्यतीत थी, पत्नी थी, इसलिए तो वो गृहस्थ थे और उनकी जो रखनी थी वो ऋषि की थी, सन्यासी की थी। ऋषित्व के कारण वो श्री कृष्ण से कुछ मांग नहीं करते थे। ऋषि वही होता है जिसको भगवान स्वयं देते हैं, प्रकृति स्वयं देती है, प्रारब्ध स्वयं देता है, और ये लोग ऋषि की सेवा करके अपना सौभाग्य मानते हैं। ये जो मांगने वाले हैं उनका न तो ईश्वर पर विश्वास है, न तो प्रकृति पर, न तो प्रारब्ध पर, और न तो समाज पर। समाज भी सहृदय होता है, ये विश्वास भी मांगने वालों के मन में नहीं है। सुदामा नहीं जाते थे, पत्नी ने बहुत आग्रह किया, उनके मन में आया चलो इसी बहाने कृष्ण का दर्शन होगा। वे कुछ लेने के लिए नहीं गए थे, वे श्री कृष्ण से मिलने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए गए थे। पत्नी ने एक चिट्ठी भेज दी, वो चिट्ठी हाथ से लिख के नहीं भेजी थी, न तार न टेलीफोन न कागज, चार मुट्ठी चिवड़ा भेज दिया। वो चिवड़ा कैसा था, एक था लाल चिवड़ा उसमें, एक था सफेद, एक था काला, नारायण वो चिवड़ा बताता था कि आदमी के घर में चार मुट्ठी चिवड़ा नहीं है, चार घरों से मांग करके लाया गया है और उसने दिया नहीं, वो भी दिया नहीं श्री कृष्ण को, जबरदस्ती छीन लिया काम के नीचे से। कैसा मित्र शीश पगापन में पाँव में पाँव पाना की नहीं सामा, पगड़ी नहीं, कुर्ता नहीं, जूता नहीं, नंगे पाँव, एक एक हड्डी पतली दिख रही, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। ये नरोत्तम दास की रचना है। भागवत में लिखा कि रुक्मिणी की सज्जा पर बैठे थे भगवान श्री कृष्ण, सज्जा नाम लिखा है। प्रीतो व्यमुंचत अब बिंदु, सुदामा को देख करके ऐसा आनंद आया कि आंखों से आंसू की झड़ी लग गई और पानी परात को हाथ छुए नहीं, नयनन के जलते स्थगित हुए। वो श्री कृष्ण सुलाया का, अरे बाबा जिस सज्जा पर रुक्मिणी जी सोती थी और श्री कृष्ण दोनों, आजकल होता है ना खाट जो दोनों को दो पति पत्नी के सोने के लिए होती है, डबल बेड, उस पर सुलाया सुदामा को, रुक्मिणी जी उठ के खड़ी हो गई और रात भर पंखा करती रही हो और दोनों मिश्र आपस में पलंग पर सोते रहे। महाराज रात को सुदामा के पास दो कपड़े नहीं थे, स्नान कैसे करेंगे, श्री कृष्ण ने लो मेरा पीताम्बर मान लो, थोड़ी ठंड लगी बोले लो हमारा कोट मान लो, हमारी रजाई ओढ़ लो। जब सवेरे जाने लगे सुदामा जी
उस श्री कृष्ण बोले कि अच्छा तो ये पीताम्बर आप कहने ही चले जाए, और वो तुरंत जट उन्होंने अपनी पुरानी धोती पहन ली, वो भी बड़ी पुराना कोट पहन लिया। एक गौड़ी नहीं दी श्री कृष्ण ने सुदामा को, और सुदामा बोले हो वो कितना प्रेम, ये मित्र का कितना प्रेम, अतनोयम धनम प्राप्य माद्य नुच्चैर्नमाम स्मरे। इस गरीब को अगर धन मिल जाएगा, फिर धन में लग जाएगा, मेरी याद भूल जाएगी। इसलिए कारुणिक वो नूनम धनम में भूरी ना ददा, बड़ी करुणा की कृष्ण ने कि हमको धन नहीं दिया, नहीं तो कृष्ण भूल जाते, धन हमारे दिमाग पर चढ़ बैठता और फिर याद करने लगे। निवासित प्रिया जुष्टे पर्यंके, हमको उस पलंग पर सुलाया जिस पर रुक्मिणी जी से, और वाहम दरिद्र पापीयान वह कृष्ण श्री निकेतन, कहां मैं पापी दरिद्र और कहां श्री निकेतन श्री कृष्ण, हमको कैसे गले से लगाया, कैसे अपने पलंग पर सुलाया। याद करते हुए जब घर पहुंचे तो महाराज न सभा न सोसाइटी कुछ नहीं हो, न अखबार में नाम ही छपा कि कृष्ण ने सुदामा को कितना धन दिया है, और न सभा में कोई धन्यवाद का प्रस्ताव ही पास हुआ। चुपचाप महाराज जैसे रात को आदमी सो रहा हो बादल बरस जाए, वैसे श्री कृष्ण को अपनी संपदा ही बरस गए थे सुदामा पुरी में। तो महाराज मित्रता जो है वो कोई साधारण वस्तु नहीं है, और सच पूछो ईमानदारी की बात बताता हूँ, मित्रता का निर्वाह केवल निर्वाह ही कर सकते हैं। यदि आपको मित्र बनाना हो तो अरे गहरे नंदु खेरे को अपना मित्र मत बनाइए, ये सेठ एक हद तक आपको देगा फिर घर में आने नहीं देगा। ये नेता लोग मंत्री लोग जब तक वोट की लालच है तभी तक तुम्हारी मां में नाम लावेंगे, क्योंकि कुछ नहीं है, संसार के सब लोग स्वार्थी होते हैं। आपको मित्र बनाना हो तो उसको मित्र बनाइए जो स्नेह से तुम्हें निरंतर तर करता रहे, तुम्हारे हृदय में बैठा रहे, तुम्हारे दिल की बात को जाने, तुम्हारे दुख में दुखी हो तुम्हारे सुख में सुखी हो, एक क्षण के लिए भी तुमको न छोड़े। श्री कृष्ण जैसा मित्र, भगवान जैसा मित्र को कहीं भी सृष्टि में